पहला पार्ट की शुरुआत कर रहा हूं मैं। मान लीजिए मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हूं, मैं एक दवाई की कंपनी हूं, आप FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA एक अथॉरिटी है, इंडिया में भी है, US में भी है और बाकी जगह भी है, जो कौन सा दवा मार्केट में आएगा कौन सा नहीं आएगा ये डिसाइड करना किसका काम है? FDA का काम है। कोई भी दवा का कंपनी मार्केट में दवा पहुंचाने से पहले FDA परमिशन देता है कि ये दवा अच्छा है, ये ह्यूमैनिटी के लिए ठीक है, इससे लोगों को लाभ मिलेगा, FDA अलाउ करेगा तभी दवा मार्केट में आएगा, राइट? तो मान लीजिए मैं और आप कौन है? FDA। और मैं कौन हूं? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी। मैं आपके पास आता हूं एक दिन एक प्रपोजल लेके कि ये मेरे पास एक कॉइन है, ये मैंने इंसानियत के लिए बनाया है, इसको जब भी आप टॉस करेंगे इसमें हमेशा हेड आएगा, टेल नहीं आएगा कभी भी, तो मैं इसको मार्केट करना चाहता हूं, आप जरा अप्रूवल दे दीजिए कि हाँ ये ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ठीक है। आप एज FDA आंख बंद करके अप्रूवल नहीं दे सकते, आप बोलेंगे पहले इसको साबित करो, ट्रायल करके दिखाओ, कई बार उछाल के दिखाओ, फिर हम देखेंगे कि जो आप बोल रहे हो सच है कि नहीं, उसके बेसिस में हम अप्रूवल देंगे, ये तो बोलेंगे आप। तो मैं बोलूंगा ठीक है, मैं ट्रायल करके आता हूं, फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दिखा दूंगा, ठीक है? ऐसे ही होता है, मतलब FDA के घर पे ट्रायल करना अलाउड नहीं है, FDA बोलती है ट्रायल करके लाओ, उसका वीडियो, उसका जो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो हमें दे दो। अब मैं चले जाता हूं, इसको टॉस करता हूं 10 बार, तो 5 बार हेड आएगा और 5 बार टेल, ऐसे ही होगा ना? जो 5 बार टेल आ रहा है उसको मैं एडिट कर देता हूं, छुपा देता हूं, नहीं दिखाता, और जो 5 बार हेड आया और एक आध बार टेल में डाल भी देता हूं ताकि वो बिल्कुल झूठ ना लगे, और वो वीडियो बना के आपको दे देता हूं, आप वो वीडियो देखते हैं, हाँ भाई इन्होंने 6 बार टॉस किया था, 5 बार हेड आया, 1 बार टेल आया, आपने अप्रूव कर दिया, राइट? अब मार्केट में आ गया FDA अप्रूव्ड। अच्छा बाद में बांटेगा, बाद में FDA अप्रूव्ड कि इसमें हेड ही आता है, तो जो कस्टमर है वो FDA अप्रूव्ड सुन के क्या करेंगे? बिलीव करेंगे, वो खरीदेंगे। अब खरीदने के बाद वो घर जाएंगे, उसको टॉस करेंगे, क्या हर बार हेड आएगा? नहीं आएगा। अब कस्टमर क्या करेंगे? वो FDA को कंप्लेन करेंगे, FDA बोलेगा चलो मैं जांच करता हूं। FDA कोई भी मेडिसिन का जब जांच करता है तो एवरेज टाइम उस मेडिसिन के जांच के रिजल्ट को लाने में इस 12 to 18 years, 12 साल से लेकर 18 साल के बीच में समय लगता है जांच करने में और नतीजा सामने रखने में। तो मेरे पास कितना समय है बिजनेस करने के लिए? 12 साल। 12 साल बाद FDA बोलेगा आपने झूठ बोला था, आज से आपकी दवा बंद, ये कॉइन आप मार्केट में नहीं बेच सकते। लेकिन तब तक मैंने बिजनेस कर लिया अपना ना, अब मैं कुछ और ढूंढूंगा। अभी भी आपने देखा 3 दिन पहले कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना 325 मेडिसिन को बैन करने के लिए इंडिया में, लेकिन ये जो मेडिसिन आप देखेंगे लिस्ट, ये मेडिसिन मार्केट में आई कब थी? 20 साल पहले, 25 साल पहले। जो मेडिसिन अभी बैन हुआ 3 दिन 4 दिन पहले, पढ़ा अखबार में आपने, 25 साल पहले वो दवा आई थी, तब से अब तक नुकसान करती आ रही है, और अब बैन हुआ, अब तक तो वो दवा का जेनरिक वर्जन भी आ गया और वो ड्रग कंपनीज का इंटरेस्ट भी लूज हो गया, कुछ उन पे फाइन भी हुआ, कोई बात नहीं, उन्होंने 10 रुपए कमाए, फाइन में 1 रुपए दे भी दिया, तो भी अच्छा सौदा है। एक आध लोग जेल भी चले गए, तो जेल चले गए वो तो उनके एम्प्लॉई हैं, और जेल जाने को उनको अलग से पैसा भी मिल गया। आप सोच रहे होंगे ये तो एक कहानी है, क्या रियलिटी में ऐसा है क्या? इसके लिए मैं आपका अगला स्लाइड दिखाता हूं, alltrials.net, राइट? ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो दुनिया का नंबर 1 जर्नल है, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है पिछले 3-4 सालों में, और तब उन्होंने ये एक्सपोज किया है कि जितनी सारी दवाइयां हैं, जितनी सारी दवाइयां जिनके नाम आप जानते हैं, सारी की सारी दवाइयां, वो दवाइयां जब मार्केट में आई तो उन्होंने जितने ट्रायल बोले थे उसके लगभग आधे ट्रायल ही FDA को दिखाया गया, बाकी जो आधे ट्रायल थे उनको जब खोदा गया तो पाया गया ये वो वाले ट्रायल हैं जिसमें नतीजे जो वो चाहते थे उसके विपरीत आ रहे थे, यानी कि तेल आ रहा था हेड की जगह। और अब इस में जाएंगे तो वो सारे ट्रायल्स जो छुपाए लिए गए थे उसको पब्लिश कर रहे हैं, हर हफ्ते एक नया ट्रायल, और जैसे जैसे वो पब्लिश होता जा रहा है वैसे वैसे वो सारी दवाइयां बैन होती जा रही हैं।
इसीलिए तीन चार दिन पहले 325 दवाइयां बैन हुई है। बोलने का मतलब यह है कि कई बार डॉक्टरों की गलती नहीं है, लेकिन जो पिक्चर दिखाया गया डॉक्टर को उसके बेसिस पे वो मेडिसिन देता है, लेकिन मेडिसिन डू नॉट वर्क द वे एज इज टोल्ड, राइट। तो कुल मिला के आपकी जो सेहत है वो आपके हाथ में है, वो किसी डॉक्टर या फार्मास्यूटिकल कंपनी के हाथ में देंगे तो व्हाट विल हैपन, राइट, इट विल किल यू। सो सबसे पहली बात यह है कि अपने एक्सपीरियंस को यूज कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को। मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया इसको भी छोड़िए, आप अपने आप से पूछिए कि आपने जब शुरुआत की थी बीपी की एक दवा से शुरू की होगी, किसी ने डायबिटीज की एक दवा से शुरू की होगी 10 साल पहले 5 साल पहले, लेकिन आज दवाइयों की पोटली है। मेरा अलग अलग देशों में लेक्चर होता है, ट्रेनिंग होता है, मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में। कुछ समय पहले मलेशिया में एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है महासा, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहां मेरा लेक्चर था। मेरे लेक्चर से पहले एक प्रोफेसर का लेक्चर था ब्लड प्रेशर पे, तो मैं बैठ गया सुनने के लिए। तो वहां की पढ़ाई कैसे होती है इस बात को अगर आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दवाई अगली लेनी है या नहीं लेनी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए मैं लेक्चरर हूं, आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आज आपका पहला दिन है, तो मेडिकल कॉलेज में पहले दिन की पढ़ाई कैसे होगी इस पे आते हैं, राइट, ओके। मैं ब्लड प्रेशर की गोलियों के ऊपर आपको ट्रेनिंग देने आया हूं, आप मेडिकल कॉलेज में भर्ती होकर आए हैं, पहला दिन आपका, ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्रेस्टीजियस मेडिकल कॉलेज, और आपका स्वागत है। आप एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला हुआ है, और आज मेरा जो टॉपिक है जो आपको बताने जा रहा हूं वो ब्लड प्रेशर के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा दवाई इसी की बिकती है, सबसे ज्यादा जरूरत आपको इस नॉलेज की पड़ेगी। ब्लड प्रेशर की कई सारी दवाइयां हैं, लेकिन उनमें जो सबसे कम साइड इफेक्ट वाली दवा है, जिसमें सबसे कम साइड इफेक्ट होगा, वो है डायरेटिक्स। लेकिन फिर भी कुछ साइड इफेक्ट तो होंगे ही, आफ्टर ऑल वो दवा है। जब आप डायरेटिक्स देंगे किसी को ब्लड प्रेशर के लिए, तो कुछ समय बाद वो पेशेंट वापस आके बोल सकता है कि आपकी दवा खाने के बाद मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, इंपोटेंसी हो गया, एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो गया, वॉमिटिंग हो गई, हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, जॉइंट डिसऑर्डर हो गया, वीकनेस लगता है, टायर्डनेस लगता है। लेकिन आप घबराना नहीं, इन सब की दवाइयां भी है हमारे पास। अगर वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलेगा तो आप उनको व्याग्रा देने देना, लेकिन व्याग्रा लेके जाएगा तो कुछ दिन बाद लौट के आएगा, बोलेगा व्याग्रा तो लिया लेकिन मुझे हेडेक होने लगा, डिजीनेस होने लगा, रनिंग नोज हो गया, इंडाइजेशन हो गया। घबराना नहीं, इनकी भी दवा है हमारे पास। अगर इंडाइजेशन होगा या हेडेक होगा तो पैरासिटामोल देना, लेकिन पैरासिटामोल देंगे तो वो वापस आएगा, बोलेगा मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, उसकी भी दवा है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, इंडाइजेशन के लिए जेंटेक देना, लेकिन वो बोलेगा जेंटेक लेने के बाद इंसोमनिया हो गया, नौजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। लेकिन चिंता की बात नहीं, इसके लिए भी तो हमारे पास दवाई है ना। ठीक उसी तरह से अगर एबनॉर्मल रिदम आ गया तो उसके लिए प्रोस्टाइल दे देना, लेकिन प्रोस्टाइल जब वो लेगा तो उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है, डायरिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, लेकिन इनके भी दवा है हमारे पास। और करते 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 दवाइयों की लिस्ट बढ़ गई। एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट को सिर्फ इतना याद है कि मुझे कब कौन सी गोली लेनी है, लेकिन किस गोली के लिए सबसे पहले क्या था वो तो वो भूल ही गया है, राइट। तो ये है एक्सपीरियंस एक आम पेशेंट का, ये है एक्सपीरियंस एक पहले दिन के लेक्चर का, राइट, मेडिकल कॉलेज में। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके साथ क्या होता है, या आप अपने एक्सपीरियंस को एसोसिएट कर सकते हैं। जब आप पहले दिन गए थे तो एक दवा से शुरू हुई, करते 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 नाउ इट इज अ कलेक्शन ऑफ 15-20 मेडिसिंस, कोई सप्लीमेंट के नाम पे, कोई कैल्शियम के नाम पे, कोई किसी और नाम से, लेकिन कुल मिला के कई सारी दवाइयों का एक कलेक्शन। एक्चुअली ब्लड प्रेशर कोई बीमारी है ही नहीं, ब्लड प्रेशर। मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, अचानक मैं देखता हूं एक स्नेक, एक सांप, तो क्या होगा? एकदम से मैं अलर्ट हो जाऊंगा, मैं भागूंगा, डरूंगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा। इस वक्त कोई अगर मेरा ब्लड प्रेशर मेजर करेगा तो क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर। सो हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट अ डिजीज, राइट। हाई ब्लड प्रेशर इज अ इंस्टेंट रिएक्शन। इमेजिन कीजिए ज़ीब्रा है जंगल के बीच में, और ज़ीब्रा को अंदेशा होता है कि कोई आसपास शेर है, तो एकदम से उसकी आंखें और अलर्ट हो जाती हैं, कान और खड़े हो जाते हैं, उसके बॉडी और तैयार हो जाती है, वो ज्यादा अच्छा सुनने लगता है, ज्यादा अच्छा वो देखने लगता है,
उसकी अलर्टनेस, उसकी एनर्जी लेवल एकदम बढ़ जाती है, वो तैयार हो जाता है भागने के लिए या फिर लड़ने के लिए। इस वक्त अगर उसके ब्लड प्रेशर देखेंगे, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि जब ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट जो केमिकल्स हैं वो बॉडी में तेजी से फ्लो करते हैं, जिससे वो अलर्टनेस आती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, जैसे ही आप डॉक्टर को देखते हैं, जितना बड़ा डॉक्टर उतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आपका, जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना और ज्यादा ब्लड प्रेशर, राइट। और डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है, देखो यार आपका तो हाई ब्लड प्रेशर है, और वाकई में हाई होता है, लेकिन जैसे ही आप हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे प्रेशर नॉर्मल आ गया। तो जो वो व्हाट इज कॉल्ड, दिस कॉल्ड व्हाइट कोट सिंड्रोम, व्हाइट कोट सिंड्रोम, व्हाइट कोट देखते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। और 70-80% जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं लोग, दैट इज नॉट हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज व्हाइट कोट सिंड्रोम, राइट। सो अब मान लीजिए कि आप डॉक्टर पास जाते हैं, बोलते हैं कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, तो कितना ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बोलेंगे आप? कोई बोलेगा 120/80, राइट। तो 120/80 का जो आंकड़ा है वो किसी एक इंसान के लिए फिट हो सकता है, लेकिन सबके लिए फिट हो कोई जरूरी नहीं है। आप अगर मुझे बोलेंगे मेरे जूते का साइज क्या है, वो 9 नंबर या 10 नंबर, मेरे लिए 10 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, लेकिन आपके लिए भी वो फिट आएगा या नहीं आएगा वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, हर एक का एक नंबर नहीं हो सकता। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए नॉर्वे एक देश है, उसमें अगर किसी भी आम जनता का ब्लड प्रेशर लेंगे तो करीब 150/90, और वहां के लोग 80 साल से ज्यादा जीते हैं, सबसे लंबे जीने वाले। यहां का एक डॉक्टर अगर नॉर्वे चला जाएगा तो क्या बोलेगा, अरे ये तो पूरी जनता का ब्लड प्रेशर हाई है, चलो दवा देकर इसको थोड़ा नॉर्मल किया जाए। तो बोलने का मतलब ये है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेडिकल जर्नल, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2013, जिसमें ये बोला गया कि अगर नॉर्वे में कोई डॉक्टर चले जाए और ब्लड प्रेशर के पैरामीटर को इंप्लीमेंट कर दे, तो नॉर्वे में 76% जो जनता है वो तो ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाएंगी, जबकि ट्रुथ ये है, सच्चाई ये है कि नॉर्वे में हाईएस्ट एज रेट है, वहां की आयु सबसे ज्यादा है इस दुनिया में, जबकि वहां का ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है। तो ब्लड प्रेशर का ज्यादा या कम होना ये आपके बॉडी मेकअप और कई सारे और फैक्टर पे डिपेंड करता है, किसी का नेचुरल टेंडेंसी भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहे, तो वही उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो सिर्फ आपने मेजर किया, आंकड़ा 130 से ऊपर चला गया, दवा ले लिया, दवा से हार्ट कमजोर होगा, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, बट दैट इज टू डेंजरस, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल जारावास एक पॉपुलेशन है जो कि अंडमान निकोबार में रहती है, उस पूरे पॉपुलेशन का ब्लड प्रेशर अगर चेक करें तो करीब 100/60। अब यहां से कोई डॉक्टर वहां चले जाए तो क्या बोलेगा, भाई ये तो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, हाइपोटेंशन, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, जबकि इनको कभी भी हार्ट डिजीज नहीं होती, कभी भी डायबिटीज नहीं रहती, कभी भी इनको किडनी फेलियर नहीं रहता, उनकी पूरे हिस्ट्री में, बट दे मेंटेन दिस ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर किसी का कुछ भी हो सकता है, वही उसका नॉर्मल भी हो सकता है। आप में से किसी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही 150/90 हो सकता है, किसी और का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 100/60 भी हो सकता है, वो सिर्फ एक आंकड़े पे